हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्यूटी पार्लर्स और सलोन्स के वास्तु के बारे में। आज के टाइम पे जो सलोन का बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छी आउटपुट और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हम वास्तु के कुछ टिप्स को फॉलो करें। अगर आपका भी ब्यूटी पार्लर है या आप भी सलोन ओनर है तो ये वीडियो आप जरूर ध्यान से देखें और इसमें जो भी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ उनको आप नोट करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ब्यूटी पार्लर या सलोन का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के बिजनेस के लिए कौन सी फेसिंग अच्छी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ और ईस्ट की फेसिंग या फिर नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग जनरली किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी होती है और ब्यूटी पार्लर और सलोन के बिजनेस के लिए भी ये काफी कंड्यूसिव होती है। अनदर डायरेक्शन विच इज वेरी गुड फॉर ओपनिंग अ ब्यूटी पार्लर और सलोन इज साउथ ईस्ट। ऐसा कहा जाता है कि साउथ ईस्ट जो है वो वीनस का स्थान होता है, वीनस यानी कि शुक्र। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ ग्लैमर, इट इज द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इट इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी। और एक जो ब्यूटी पार्लर होता है ये सभी चीजों को डिनोट करता है, इन सभी चीजों को जो है वो ब्यूटी पार्लर डिनोट करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो साउथ ईस्ट की फेसिंग है वो ब्यूटी पार्लर के लिए अच्छी रहती है। एट द सेम टाइम जो लेडीज ब्यूटी पार्लर्स होते हैं उनके लिए तो खासकर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी रहती है, बिकॉज वीनस जो है वो लेडीज को डिनोट करता है और लेडीज के जो बिजनेस हैं, जो लेडीज के जो बिजनेसेस हैं वो साउथ ईस्ट की फेसिंग में प्रॉस्पर करते हैं। एक और चीज, एक और डायरेक्शन जो कि वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी मानी जाती है, वो है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। वो भी आप जो है ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रमा की डायरेक्शन है और ब्यूटी और फेमिनिनिटी को डिनोट करती है। अब बात करते हैं कि ब्यूटी पार्लर, एक बार हम डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद ब्यूटी पार्लर के अंदर की सेटिंग कैसे होनी चाहिए। जो मिरर्स हैं यानी कि जो शीशे हैं वो ब्यूटी पार्लर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं और वास्तु के अनुसार ब्यूटी पार्लर के जो मिरर्स हैं वो हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आए। इस तरीके से अपने मिरर्स को प्लेस करें कि 90% मिरर्स जो है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चले जाएं और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखें जब आप उनका हेयर कट या कोई भी उनका थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हो। कैश काउंटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम अपने क्लाइंट से कैश डीलिंग करते हैं, तो वास्तु के रूल्स के अनुसार हमारा जो कैश काउंटर है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए और डीलिंग करते समय हमारी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ ऐसे जो है चीजें हैं जिनको कि आप सेल करना चाहते हैं, आपने सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, जैसे कोई हेयर स्प्रेज हो गए या नेल पेंट्स हो गए, तो उनका डिस्प्ले हमेशा अपने ब्यूटी पार्लर के नॉर्थ वेस्ट में करें। नॉर्थ वेस्ट का जो जोन होता है वो वायुवेय कोण का जोन होता है और वहां पे रखने से इन सभी आइटम्स को इनकी सेल अच्छी होती है और जल्दी होती है और ये मूवमेंट में रहते हैं। हर एक पार्लर में एक छोटा सा स्टोर जरूर होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल रखते हैं, उस स्टोर को अपने ब्यूटी पार्लर के वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट जोन में बनाएं। अगर आपके ब्यूटी पार्लर में आपको फेशियल के लिए एक सेपरेटली रूम देना है तो वास्तु के अनुसार फेशियल रूम को हमेशा साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट के जोन में लोकेट करें। ऐसा कहा जाता है साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो अर्थ एलिमेंट का जोन होता है और वहां पर अगर आपने क्लाइंट्स का फेशियल करते हैं तो वो काफी पीसफुल महसूस करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि फेशियल कराते समय जब वो लेटते हैं तो उनका जो सर है वो साउथ की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेडिक्योर और मेनिक्योर का सेक्शन कहाँ पे होना चाहिए या फिर वैक्सिंग का सेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, तो वास्तु के अनुसार आप उसको नॉर्थ वेस्ट जोन में दे सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर जगह ना हो तो आप उसे वेस्ट या साउथ वेस्ट में भी दे सकते हैं और जो वैक्सिंग का सेक्शन है वो आपका साउथ ईस्ट की तरफ भी आ सकता है। अगर आप अपने पार्लर में कोई स्टीम या सोना देना चाहते हैं तो उसको अपने पार्लर के साउथ ईस्ट जोन में यानी कि अग्नि कोण में दें। अपने पार्लर की जो लाइटिंग है उसको हमेशा वार्म व्हाइट में रखें और कभी भी पार्लर में ओनली व्हाइट कलर की जो ट्यूबलाइट्स होती है उनका इस्तेमाल करना अवॉइड करें। आपके पार्लर में जो टॉयलेट है इस बात का ध्यान दें कि वो हमेशा वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट जोन में आना चाहिए। कभी भी अपने पार्लर के टॉयलेट को नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ना दें,
ऐसा करने से आपको ह्यूज बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं। एक और चीज, अगर आपका पार्लर जो है वो डबल स्टोरीड है और उसमें सीढ़ी आ रही है, तो अपने पार्लर की सीढ़ी को हमेशा साउथ वेस्ट में दें या फिर वेस्ट में दें। वेस्ट में अगर जगह नहीं हो तो आप अपनी सीढ़ी को साउथ में भी दे सकते हैं और लास्ट केस में साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हैं। अपने पार्लर की सीढ़ी को नॉर्थ और ईस्ट जोन में देना अवॉइड करें। अपने पार्लर के कलर्स को हमेशा जो है वो पेस्टल्स रखें, बहुत ज्यादा ब्राइट या जारिंग ना रखें। जहां तक हो सके स्पेरिंगली किसी किसी वॉल पे लाइट पेस्टल्स का यूज आप कर सकते हैं। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि वास्तु के अनुसार आप अपना ब्यूटी पार्लर या सलून जो है वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छी बिजनेस ग्रोथ मिलेगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस तरह के नए नए वीडियोस मैं अक्सर डालती रहती हूँ। एंड एट द सेम टाइम डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।